कांग्रेस ने दावा किया है कि पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की है। खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रही फ्लाइट में बैठने वाले थे, लेकिन उन्हें रायपुर जाने से रोका गया। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है, तो मैंने एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने का ये प्रयास है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, इसे लेकर भाजपा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे, तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहां पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सब को लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे। दरअसल पवन खेड़ा ने हाल ही में अडानी के मुद्दे पर पीसी की थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। हो सकता है कि पवन खेड़ा को इसी मामले में हिरासत में लिया गया हो। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।